सो नोएडा स्टेशन में रेडी टू मूव इन ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ एक बढ़िया सा टू बेडरूम अपार्टमेंट आया सेल के लिए। कंस्ट्रक्शन माई वन है। अपार्टमेंट की फ्लोर प्लानिंग लेआउट जबरदस्त है। सब कुछ देखेंगे, सबसे पहले लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। सो नोएडा स्टेशन के गौर सिटी टू में हमारी प्रीमियम सोसाइटी महागुण माइवर्ड से जाती है। तो महागुण माइवर्ड के न्यूली कंस्ट्रक्टेड फेस में हमारे अपार्टमेंट का टावर ये वाला हो जाता है, माइवन कंस्ट्रक्टेड टावर हो जाता है। इसके मिडल फ्लोर पे हमारा अपार्टमेंट आ जाता है। अपने अपार्टमेंट के फ्लोर पे जाने से पहले टावर की लॉबी देख लेते हैं। सो डेट ऑफ द लॉबी, अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट के फ्लोर पर। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करें टावर के अंदर, वो हमारा 28 हो जाता है। और आज के हमारे अपार्टमेंट का फ्लोर 16th हो जाता है, मतलब मिडल फ्लोर, मोस्ट डिमांडिंग फ्लोर। और हमारे फ्लोर प्लानिंग की बात करें तो 1, 2, 3, 4 टोटल 4 लिफ्ट मिल जाता है पॉप फ्लोर। और अपार्टमेंट की बात करें 4 अपार्टमेंट उस विंग के अंदर और 4 अपार्टमेंट इस विंग के अंदर मिल जाता है। और हमारा अपार्टमेंट भी इसी विंग में आ जाता है। सो एज ऑलरेडी डिस्कस, टावर हमारा न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, पोजीशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आज का हमारा 2 बेडरूम अपार्टमेंट आ जाता है, विच इज अवेलेबल फॉर सेल। एरिया इसका 960 स्क्वायर फीट हो जाता है। फटाफट अंदर चल के देखते हैं। सो आप जैसे अपार्टमेंट के अंदर आएंगे यहाँ पे हमारा लिविंग एरिया जाता है। हमारा लिविंग एरिया 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा 10x14 का ड्राइंग एरिया हो जाता है। और आगे हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है, डायमेंशन इसका 8.5x8 का हो जाता है। और हमारे लिविंग एरिया में वेंटिलेशन सेलेट के लिए यहाँ पे अटैच एक बालकनी मिल जाती है। और अपार्टमेंट के लेआउट की बात करें तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट रूम, उसके बगल में हमारा सेकंड रूम, और यहाँ पे हमारा किचन सेक्शन आ जाता है। सो फटाफट एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी इस बालकनी से। तो हमारे लिविंग एरिया के साथ अटैच ये हमारे अपार्टमेंट की फर्स्ट बालकनी हो जाती है। और ये बालकनी हमारी 5 फीट वाइड हो जाती है। और बात करें बालकनी से व्यू की, सो लेट्स चेक दिस आउट। सो ये हमारे फर्स्ट बालकनी से व्यू हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अपार्टमेंट के वन ऑफ द मेन सेक्शन, किचन सेक्शन की तरफ। तो हमारे अपार्टमेंट का किचन बिल्कुल अभी रॉ है। इसके अंदर पूरा आपको सैनिटरी फिटिंग और स्लैब लगा हुआ मिलेगा। यू शेप का हमारा किचन हो जाता है। इसके डायमेंशन की बात करें वो 8x6 का हो जाता है। ऑलराइट, सो ये हमारे अपार्टमेंट का किचन हो जाता है। पूरा आपको सैनिटरी फिटिंग स्लैब लगा हुआ मिलेगा। वेंटिलेशन सेलेट के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो मिलेगा जो कि पीछे की साइड खुलेगा। और हाँ, पीछे की साइड आप देख सकते हैं आईजीएल ऑलरेडी लग चुका है, बस पोजीशन लेना हो, कनेक्शन लेना है। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट वॉशरूम और हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है। 8x4 का डायमेंशन हो जाता है। ऑलराइट, हमारे वॉशरूम के अंदर पीछे की साइड आपको विंडो मिलेगा फॉर वेंटिलेशन। और ये काफी बड़ा विंडो होने वाला है। पीछे की साइड आपको एक सॉफ्ट एरिया मिल जाता है। अपार्टमेंट आपको बिल्डर की साइड से ब्रांड न्यू कंडीशन में मिलेगा, विद ऑल डोर विंडो सैनिटरी फिटिंग डन। हमारे फर्स्ट वॉशरूम के जस्ट बगल में हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट रूम आ जाता है। डायमेंशन 11x10 का हो जाता है। तो ये हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट बेडरूम हो जाता है। रूम में वेंटिलेशन सनलाइट के लिए एक बड़ी सी अटैच बालकनी मिल जाती है, जो हमारी सेकंड बालकनी भी हो जाती है। बालकनी हमारी काफी बड़ी बालकनी हो जाती है, विच इज 5 फीट वाइड, एंड दिस बालकनी कम विद दिस अमेजिंग व्यू। तो बात करें हमारी बालकनी से व्यू की, तो वहाँ पे आपको नोएडा एक्सटेंशन का पार्ट दिख जाता है, सामने लो राइज फ्री होल्ड दिख जाता है, और वहाँ पे अपना क्रॉसिंग रिपब्लिक दिख जाता है। तो ये था हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट रूम और हमारे अपार्टमेंट की सेकंड बालकनी। नाउ चलते हैं हमारे अपार्टमेंट के लास्ट और सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये कम से वो सेकंड एंड मास्टर बेडरूम। हमारे रूम का डायमेंशन 10x11 का हो जाता है। तो फटाफट अपने लास्ट रूम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नीचे आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगा। हमारे रूम में अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है और एक अटैच बालकनी। फटाफट अपने वॉशरूम को देख लेते हैं। ये हमारे अपार्टमेंट का लास्ट और सेकंड वॉशरूम हो जाता है। डायमेंशन 4x7.5 का हो जाता है। हमारे इस वॉशरूम के अंदर भी पीछे की साइड एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है। वेंटिलेशन सेलेट प्रॉपर मिलेगा। पीछे की साइड आपको साफ एरिया देखने को मिल जाता है। नाउ बात करें हमारे सेकंड रूम में वेंटिलेशन सेलेट के लिए, तो अटैच एक बड़ी सी बालकनी मिल जाती है। हमारे अपार्टमेंट की थर्ड और लास्ट बालकनी हो जाती है, विच इज 5 फीट वाइड, अगेन स्पेशियस बालकनी, एंड दिस बालकनी कम विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। लेट्स चेक द लास्ट व्यू फ्रॉम आवर लास्ट बालकनी। और
ऑलराइट सो ये था हमारा गौर सिटी 2 में आने वाले महागुण माइवुड्स का न्यूली कंस्ट्रक्टेड 2-बेडरूम अपार्टमेंट विच इज अवेलेबल फॉर सेल। हमने अपार्टमेंट का सब कुछ देख लिया, बात करें इसके डिमांड की, सो डिमांड फॉर दिस अपार्टमेंट इज जस्ट 47.5 लाख। सो इफ इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आईडी डिस्प्ले पे शो हो रही होगी। और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।